तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो गाइस आज वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने ITS गेम के बारे में। दोस्तों इसके बारे में एक फेक अफवाह जो है फैलाई जा रही है और काफ़ी बंदे उससे परेशान हैं, तो उसके बारे में जानेंगे क्या वो अफवाह जो फैलाई जा रही है सच्ची है या फिर एक झूठ और एक फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है और आप सबको धोखा दिया जा रहा है। तो गाइस पूरी वीडियो देखना, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है और काफ़ी आपके लिए तो काफ़ी अच्छी होने वाली है, जिसको लगता है कि ये न्यूज़ फेक है या नहीं। ठीक है, तो आप सोच रहे हो न्यूज़ कौन सी है, क्या बोल रहा है, तो भाई मैं बता देता हूँ अब न्यूज़ कौन सी है। गाइस न्यूज़ ये है कि कई लोग कह रहे हैं कि ITS है जो रिमूव हो गया है अपने प्ले स्टोर के ऑफिशियल पेज से। तो इसी बारे में, इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे आज वाले वीडियो में। तो इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ साथ आज ये सही और गलत का फैसले वाली वीडियो भी है। तो गाइस जरूर से इसको लाइक कर दो और वहाँ तक ज़रूर पहुँचाना, वहाँ तक ज़रूर शेयर करना इसको, जहाँ तक जहाँ पे लोग परेशान हो कि ये गेम कट क्यों गया, वापस क्यों मतलब नहीं आ रहा है प्ले स्टोर पे, तो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाना क्योंकि वो बड़े परेशान होंगे इस गेम के रिमूव होने की वजह से। तो गाइस चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज वाली वीडियो को, और बिना टाइम वेस्ट के आज वाली वीडियो पे ज़रूर से कर दो 50 लाइक्स, क्योंकि काफ़ी कम है ये जो लाइक एम है, इसको ज़रूर से पूरा कर दो और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूर से पूरा कर दो। कोई व्यू एम इतना एम नहीं रखा गया है, ओनली लाइक एम इसमें जो है रखा गया है, तो इसको ज़रूर से आप पूरा कर देना। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा गाइज, अगर आपको कोई कमेंट है जो हमारी Q&A वीडियो में ऐड करवानी है, जो कि जल्दी होने वाली है, आपको मिलने वाली हमारे चैनल पर, तो अपने कमेंट्स के पीछे Q&A लिखना ना भूलें। कमेंट्स लिख के आप पीछे Q&A लिख सकते हो, जिससे कि हमें पता चल जाएगा आपके जो Q&A वाली कमेंट है आपकी, आपको डलवानी है वाली। तो गाइज उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो आपको आपको क्वेश्चन हमसे पूछना है उसका आंसर हम आपको वीडियो में देंगे सबके साथ। तो फिर चलिए फिर अब बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। तो गाइज कई पहले मैंने देखा था कि जो कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई प्ले स्टोर पे जो है ITS रिमूव हो गया है, उसको वापस कैसे लाएं, एक वीडियो बनाओ उस पर, एक ऐसी वीडियो बनाओ जिस पर ITS हम वापस ला सके अपने प्ले स्टोर पे या ITS को डाउनलोड कर सकें। तो ये कमेंट देखिए मैं एक बार तो चौंक गया कि भाई ITS रिमूव कैसे हो गया। तो मैंने तुरंत ही जो अपना प्ले स्टोर है ओपन किया, जैसे मैंने ओपन किया तो मैंने देखा कि हाइब्रो इंटरेक्टिव ITS वहीं अपनी जगह पे सेफ एंड सुरक्षित है, कोई भी कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। तो गाइस ये अफवाह और ये कहाँ से फैली थी दोस्तों, ये यहाँ की जो मैं आपको बताता हूँ ये जो अफवाह है ये कहाँ से फैली है और कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म होगी। अब तो ये काफ़ी बड़े लेवल पे चल चुकी है, क्योंकि अब मतलब ज़्यादातर मोस्ट ऑफ लोग कह रहे हैं कि मैंने व्हाट्सएप जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर भी मैंने मतलब देखा है कि उसको कैसे मतलब इंस्टॉल करें, जहाँ पर वो निकल चुका है उसको कैसे करें। तो मैंने उनको तो आंसर दिया था कि ये सब है और उनको फ़ोटो भी मैंने दिखाई थी। तो आपके लिए मैं भी मैंने खोला ये ग्रुप, तो आप ज़रूर से ज्वाइन हो सकते हैं इसके अंदर। तो गाइस उनके तो मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन काफ़ी अभी भी ऐसे बंदे हैं जो उनको क्लियर नहीं है कि ITS जो अभी रिमूव नहीं हुआ है प्ले स्टोर से, बिल्कुल वहीं की वहीं है, अपनी जगह पर ही हैं, उसके 10 मिलियन प्लस डाउनलोड हैं अभी भी हैं और रहेंगे भी, आगे पता नहीं बढ़ भी सकते हैं। तो गाइस ये जो बात है ये कहाँ से चली थी, तो गाइस एक जो गेम है आपने देखा होगा इंडियन ट्रेन जेट सिमुलेटर, जो कि अपने प्ले स्टोर से हटा दिया गया था किसी कारणवश, क्योंकि उसका कारण भी आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। क्या हुआ था कि जो वो गेम है उसके जो है अपडेट्स नहीं आ रहे थे, तो अपडेट्स ना आने की वजह से जो गूगल ने उसको जो है हटा दिया था, काफ़ी बार जो उसको मतलब ये भी बोला गया कि कोई अपडेट ना मिलने से लोगों की जो रेटिंग के स्टार्स होते हैं वो रेटिंग भी जो वहाँ पर कम हो गई थी। जो रेटिंग कम हुई तो जैसे फिर गूगल प्ले स्टोर को पता चला कि रेटिंग कम हो चुकी है, तो उन्होंने वैसे ही उनको जो है वहाँ से हटा दिया। तो फिर वो गेम है जो वो हुआ था वहाँ से प्ले स्टोर से मतलब रिमूव हो गया था, वो गेम हुआ था प्ले स्टोर से रिमूव, ना कि ये है अपना इंडियन ट्रेन सिमुलेटर। तो गाइस यही कन्फ्यूजन की वजह से कई लोग ने सोच लिया कि जो है इंडियन ट्रेन सिमुलेटर वही रिमूव हो गया अपने प्ले स्टोर से और आप वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ना कोई अपडेट पाएंगे और ना कोई मज़ा ले पाएंगे इस गेम का। तो काफ़ी लोग जो है इससे डर गए थे, तो ये फिर अफवाह वहाँ से स्टार्ट हो गई थी। तो दोस्तों ITS में और जो है रैंडम गेम कंपनी जिसका ट्रेन जेट गेम है नाम है, वो दोबारा से आ रहा है, आपको पता होगा किसी नए अपडेट के साथ।
साथ, उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर नहीं देखी तो मेरे चैनल पर चेकआउट करो और वहाँ से आकर देख लो। तो गाइज, तो चले आज की वीडियो में इतना ही, मिलते किसी अगली और रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहो रोको एंड्रॉइड गेमर। और गाइज, ऐसी कोई अफवाह होती है तो हमसे ज़रूर पूछ लिया करो कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो दोस्तों, आप तो समझ गए होंगे कोई ये अफवाह थी ना कि कोई रियल सच, ओनली फेक न्यूज़ थी। तो हमने आपका दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अगली रोमांचक वीडियो में। तब तक धन्यवाद, देखते रहिए रोको एंड्रॉइड गेमर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।